पन्ना जिले के सिमरिया पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उनकी एक झलक पाने के लिए हजारों भक्तगण भक्तमाला कथा में हुए शामिल। पन्ना जिले के सिमरिया में श्री श्री 108 श्री किशोरदास जी महाराज वृंदावन धाम द्वारा भक्तमाल कथा आयोजित की जा रही है, जिस धार्मिक कार्यक्रम में शुक्रवार को बागेश्वर धाम की पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सिमरिया पहुंचे और लगभग 2 घंटे तक धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल रहे। बागेश्वर धाम सरकार के सिमरिया आने की जानकारी पूरी क्षेत्र में जंगल की आग की तरह फैल गई और हजारों की संख्या में भक्तगण उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़े। सुरक्षा व्यवस्था के लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। बागेश्वर धाम सरकार ने कहा है कि पन्ना जिला बहुत ही पिछड़ा जिला है, यहाँ पलायन बहुत है, जबकि पन्ना जिले में बहुत ही कीमती वस्तुएं पाई जाती हैं, जिस पर ग्रामों में पहल करनी चाहिए और राजनेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि उन्हें विकास भी देखना चाहिए, वोट बैंक की राजनीति नहीं करनी चाहिए। मुखारविंद से सिमरिया में भक्तमाल की गाथा गाई जा रही है, उसमें भारत के सभी दिव्य संत पहुंचे हैं और इस स्थान भूमि पर श्री धाम वृंदावन की बहु प्रसिद्ध पूरे क्षेत्र में और पूरे भारत वर्ष में जो प्रसिद्ध रासलीला है उसके रासाचार्य पूज्य श्री भैयाजी महाराज विराजमान है, सब संत आ रहे हैं, हमारे जैसा नालायक दास भी आया हुआ है, ये प्रभु की कृपा है। पूरे क्षेत्र को यही कहना है सिमरिया पन्ना जिले के लोगों को कि आप सब दर्शन करके संतों का आशीर्वाद लें, हिंदुओं में एकता रखें। पन्ना जिला बड़ा ही पिछड़ा और बिछड़ा जैसा प्रतीत होता है, पलायनवाद बहुत ज्यादा है और बल्कि सबसे ज्यादा बुंदेलखंड में कीमती वस्तुएं पन्ना जिले में ही पाई जाती है, तो नेताओं को पन्ना जिले के गाँवों पर ध्यान देना चाहिए, वोट बैंक भर नहीं लेना चाहिए। धन्यवाद।